चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिले, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। Hey, hi, welcome back to FSA Entertainment. मोइन भाई के साथ हूँ। We are not at मोइन खान गोट रैंच, उसके करीब एक मैदान है, वहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। वालेकुम सलाम। मोइन भाई, जो बकरा निकाले हो, बड़ा ही नामचीन बकरा है जी, माशाल्लाह। पहले नाम बताओ। राफा। राफा, राफा नाम है जी। और बहुत ही फेमस बकरा जी। हाँ, बॉम्बे में काफी लोग इसे जानते हैं। क्यों लोग ऐसे जानते हैं, ऐसे क्या कर लिया इसे जी? वो इनडायरेक्टली बता नहीं सकते फाद भाई। इनडायरेक्टली बता नहीं सकते, डायरेक्ट बता दो जी। डायरेक्टली नहीं बता सकते फादर। अच्छा, तो जो भी है यानी माशाल्लाह, बाकी लेकिन नाम चीन है। अच्छा, नाम रोशन के किसी और का बकरा है। हां, ये वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन जी, जोगेश्वरी के रहने वाले, वो भी रयान भाई, उनन भाई, दोनों भाई हैं जिनका पहला बकरा था जी। जी नहीं, उनका नहीं, दूसरा है। ये रयान भाई उनन भाई करके है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त है जी, उनका बकरा है। सारे क्लाइंट्स आपने हमारे उधर की जी। हाँ, जोगेश्वरी के। क्या करेंगे फाद भाई, वहीं से पूरे दांत कर चुका है। जी हाँ, पूरे दांत कर चुका है। और ये सबसे अच्छी तैयारी में है माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब तक के देखे जी, 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 जी। मैं आपको कहा था ना फाद भाई के सब अलग अलग क्वालिटी में आपको दिखेंगे। इसके भी कान का शेप देखो अलग है, और सिंह की धारी वाली तो देखो माशाल्लाह से। फाद कान इसके खुले अलग है, खुले हुए ना जी, खुले रॉकेट वाले नहीं है। नहीं, रॉकेट वाले नहीं, उसके अलग शेप में। माशाल्लाह, बोर की तैयारी पे फाद भाई, तैयारी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बोर की ऐसी तैयारी पे देखो ना, गर्दन वगैरह, रान वान की पेटी वगैरह चौड़ी। हाँ, देखे गर्दन, सिंह, पेटी, छाती वादी सब है। अभी तो बाल कटे हुए जी। हाँ, माशाल्लाह, उस पे भी अच्छा थोड़े आगे। हाँ, जबरदस्त दिख रहा है माशाल्लाह। क्या वेट होगा अभी है जी? मैंने इसका वेट करा चुका हूँ। 75 जी, 76 तुला था ये, बहुत पहले। 76 अभी भी अप्रोक्सीमेटली मेंटेन किया होगा। हाँ, माशाल्लाह, इनका तो ज्यादा बढ़ाना नहीं पड़ता। नहीं बढ़ाना, मेंटेन रखना पड़ता है। कंसीडर्ड टू बी अ गुड वेट सैनन का, 70-80 के बीच में। 70-80 के बीच में जी। हाँ, माशाल्लाह से। और ये ज्यादा हाइटेड भी नहीं है ना फाद भाई, तो ये जिनका बकरा है उनको देना है क्या? जी नहीं, सेल आउट नहीं करेंगे जी। नहीं नहीं, माशाल्लाह रखेंगे फाद भाई। नहीं, कुर्बानी नहीं करेंगे, शौक करेंगे। शौक करेंगे जी। हाँ, माशाल्लाह रखे। और बताइए, काफी जानदार बकरा है फाद भाई, और बॉम्बे में काफी लोग इसे जानते हैं जी। हाँ, ये तो इसके लिए वीडियो में मैंने बनाया है इसका, ताकि लोगों को सिर्फ पता चले और शौक हो, जो लोग नहीं जानते। हाँ, फाद भाई जी, हाँ, 6-7 रहेंगे। अच्छा, 6-7 जो अच्छे क्वालिटी के है वो जी, क्या रेंज से क्या रेंज तक के मिल जाते हैं? अच्छे क्वालिटी के इम्पोर्टेड सानिन तो फाद भाई अदंत या दो दात के ना। हाँ, मैंने 2.5-3 लाख रुपए की भी देखा। अच्छा जी। हाँ, आते इम्पोर्ट लाइन के अच्छी क्वालिटी में, तो वो वाले आकिब के टाइप्स वाले हो गए जी, एकदम लंबी लंबी सिंग वाले। हाँ, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अदरवाइज क्या रेंज से स्टार्ट होते हैं सानिन का बच्चा? किसी को सानिन का बच्चा अगर अच्छी क्वालिटी का लेना है, अगर अच्छी क्वालिटी बच्चे में होता तो कितने में मिलता जी? यही बच्चे में होता तो कितने में मिलता? यही बच्चे में अदंत होता तो कितने में मिलता? अदंत होता तो भी कम से कम कुछ 20-25 हजार रुपए का होता जी। तो है अच्छी है ना बॉडी लाइन, देखो ना फाद भाई, माशाल्लाह से पेटी वगैरह देखो कितनी झूली हुई, और खुर वगैरह सब खूबसूरती में भी है, गुलाबी चमड़ी में बकरा। और ये कौन सी ब्लड लाइन का है? ये भी वो आई वाई से आया? जी नहीं नहीं, आई वगैरह से नहीं आया। इसकी ब्लड लाइन एक्चुअली मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मैंने वो भी एक मेरे अच्छे दोस्त थे उनसे मैंने लिया था। हाँ, परचेस किया था, फिर बाद में सेल आउट किया। वैसा ऐसा था वो टाइम पे, ऐसी पोजीशन पे नहीं था, लेकिन मेरे पास आके माशाल्लाह काफी अच्छी तैयारी पे। कौन से टारगेट ऑडियंस को केटर करते हैं जी सानिन बकरे जो है? इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है? टारगेट ऑडियंस यानी टारगेट कस्टमर्स कौन है इनके? बॉम्बे के ज्यादातर लोग, बॉम्बे में शौक ज्यादा होता है, यंगस्टर्स लोग को ज्यादातर शौक है। हाँ, बॉम्बे के अंदर इसका शौक ज्यादा चलता है। सानियन हो गए, या बोर हो गए, या बर्बरे हो गए, या अल्पाइन, जो भी एक्सोटिक जो है ज्यादातर मैंने देखा हो, जो बायस जो है वो बॉम्बे के अंदर ही है। और 4000 रुपीस पर मंथ इज योर पलाय जी, राइट फाद भाई? ये है राका इनका जी। हाँ, इसके भी कान देखो, आपको डिफरेंस पता चला? मैं बताता ना आपको, जितने सानियन दिखाऊंगा सबको अलग अलग दिखाऊंगा, ये भी अलग है। ऐसा नहीं कि इसको कुछ बुरा कहा जाएगा या अलग, लेकिन माशाल्लाह रुबाब पे चेहरा है, माशाल्लाह सिंगार, ये धारी वगैरह सब उठी है माशाल्लाह से, पूरा कंप्लीट है बकरा, आगे से पीछे गोल मटोल है। हाँ, रान वगैरह भी देखे, तैयारी बहुत अच्छी ली है बकरा तो माशाल्लाह जबरदस्त है। इधर इधर आइए, ये काम है जी, अब दिख रहा है बकरा यहाँ से, देखिए जूम लेंस करता हूँ थोड़ा अच्छा दिखता है जी। अच्छा, इसके पैर हल्का सा चाक आया है क्या? नहीं 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 फाद भाई, वो कैसा भी बारिश भी हो गई, आप देखिए वेदर कैसे चेंज हुआ था जी। हाँ, बारिश भी हो गई, उसके बाद बकरे भीग के फिर सूखे यहाँ पे, बकरे भी थक गए बेचारे। अब छत वगैरह थी नहीं कि बकरे को कवर करा जाए, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं बकरे सब खुले में ही थे, फाद भाई बारिश में भीग रहे थे, हम सब तो कवर हो गए, लेकिन जरा भी नहीं। आप वीडियो में देखना, फाद भाई भाग रहे, मार रहे, वो शांत था जी, गुस्सा जो था आपको अटैक कर रहा था जी जी, ठीक है, नो मर्सी। हां, नो मर्सी। ये वाला जो है, ये वाला ना इंसान को छोड़ता है ना बकरों को, दोनों को नो मर्सी जी।
ताकत बहुत है माशाल्लाह से फातबा इसके अंदर जान वगैरह अभी जो फ्रेम माशाल्लाह नजर से बचा है देखिए अभी जो कैमरा में जो इसकी ब्यूटी आ रही है अल्लाह नजर से बचा है फातबा देखो आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी तैयारी वगैरह देखो चेहरे पे रुबाब तो देखो फातबा हां सीना वगैरह देखिए पैर खोल दिया आगे के लोग जो है वेट नहीं देखते सीन में ज्यादा जी तो क्या देखना चाहिए अभी खूबसूरती सीन वगैरह सबसे मेन चीज होती है सीन सीन में सेकंड आते जी नो प्रॉब्लम एट ऑल इंटैक्ट है जी 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 जरा भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं ठीक है पलाई पे अगर रखना है आपको तो कांटेक्ट कीजिए इनको नंबर क्या है आपका 9892547761 इसकी पुरानी वाली फोटो है जी हाँ है ये कितने महीने से आपके पास है एक साल होने एक साल सबसे पुराना है तो इसी है पुरानी वाली आपकी एक इंस्टाग्राम पेज भी है ना जी हाँ उस पे भी इंस्टाग्राम पेज मोइन 4233 जी 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 हाँ उस पे है इसकी पुरानी वो रहेगी फोटोज और वीडियो काफी टाइम पे इलाका लिखा हुआ है ना जी राफा 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 लिखा हुआ जी सी गेट इन टच विद एफ ए राफा मोइन 4233 ऑन इंस्टाग्राम जी जी नो अंडरस्टैंडिंग आई विल टैग हिम एज वेल आपका स्टोरी पे टैग कर लूंगा तो माशाल्लाह देखो ना फातबा यार गर्दन वगैरह की देखो झालावा अभी तो और बल्कि मैंने थोड़ा कम उतारा उसको फातबा हैवी वेट ज्यादा होने की वजह से ना बकरी है चलने में तकलीफ नहीं बकरी नहीं है ब्रीडिंग सेटअप नहीं है मेरा एक और सानियन है जो माशाल्लाह से बहुत बड़ा यूज है अभी तक जितने सानियन देखे ना उन सब में सबसे हाइटेड और सबसे बड़ा फ्रेम का है वो मैंने आपको कहा ना पुणे में सानियन अल्पाइन गोट फार्म पे वहीं पे रखा हुआ okay, अभी जगह ही नहीं हो रही सानियन अल्पाइन फार्म जी हाँ सानियन अल्पाइन के स्पेशलिस्ट है अच्छा, नासिर भाई करके हमने जो वीडियो डाला ना पब्लिक फिर भी बोल रही है गंजम है वो अल्पाइन जी हाँ एक जन देखा एक जन ने कमेंट किया तो गंजम नहीं है ना वो अरे गंजम नहीं है फातबा ये सब कॉमन सेंस की बात है मैंने आपको वीडियो में भी कहा था ना कि जो सानियन पालते हैं वो फोटो देख के पहचान जाएगा कि गंजम या सानियन अल्पाइन है सॉरी अल्पाइन जो पालते हैं वो फोटो में पहचान जाएगा अल्पाइन ज्यादा अग्रेसिव ब्रीड कौन सी है अल्पाइन और सानियन में अल्पाइन रुकता ही नहीं है वो तो जरा भी वो भी वही ब्रीड का वही फार्म का है सानियन अल्पाइन फार्म का ही है वो चॉकलेट जी हाँ वो माशाल्लाह ब्यूटीफुल गोट है बहुत अच्छा दिख रहा है बहुत बहुत शुक्रिया जी यू मोस्ट वेलकम